नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी जुमे की नमाज हुई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। रामनगरी अयोध्या में भी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पुलिस और प्रशासन भी लगातार जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर थे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और SSP शैलेश पांडे के साथ कमिश्नर नवदीप रिणवा और IG कविंद्र प्रताप सिंह ने भी सड़कों पर उतरकर जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कल से लगातार पुलिस भी रूट मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। IG रेंज KP सिंह ने कहा कि अयोध्या में स्थिति सामान्य है, सभी मुस्लिम भाइयों ने शांतिपूर्ण नमाज अदा की है। जुमे की नमाज संपन्न होने के बाद टाटा शाह मस्जिद के पेश इमाम मौलाना समसुल कादरी ने कहा, तो वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर IG रेंज कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। जुमे की नमाज है, शुक्रवार की नमाज है और विगत दो नमाजों को लेकर जुमे को कुछ शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी प्रदेश के कुछ जनपदों में, उसको लेकर के हम लोग अलर्ट हैं। शासन भी के भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी लोग ग्राउंड पे रहें और उसके तहत हम लोगों ने सेक्टर स्कीम और जोन स्कीम लगाई है अपने रेंज के सभी जनपदों में, अयोध्या में, अम्बेडकर नगर में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर अमेठी में, और सारे CO's और SDM's, एडिशनल SP, DM और SP ग्राउंड जीरो पे हैं। सारे लोग ग्राउंड पे हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे संवाद किया हुआ है और जो संवेदनशील बिंदु हैं, जहाँ हॉटस्पॉट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर कि अधिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ पर हमारी मस्जिदें हैं, जहाँ पर हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई भी अफवाह या शांति व्यवस्था की स्थिति न हो। और हम लोगों ने मीटिंग करके सभी लोगों को ये बात बता दी है कि आप लोग नमाज के बाद घरों को जाएं, यदि आपको कुछ कहना है तो उसको पत्रक के रूप में हमें दे दें, हम उस पर लेकर के जो कार्यवाही स्थानीय स्तर पर करनी है वो होगी और आपकी बात जो प्रशासनिक तौर पर उच्च स्तर पर जाना है वो वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। और अभी मैं देख रहा हूँ, हम और कमिश्नर साहब राउंड पे थे, सारी स्थितियाँ नॉर्मल हैं, शहर अपने पूरे अपनी गतिविधियों में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी स्थिति है, सब चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम। संदेश तो हम लोग बहुत दिनों से दे रहे हैं और कल भी हमने दे दिया है कि भाई देखें, अमन हमारे तहजीब का हिस्सा है, शांति हमारा उड़ना बिछोना है। हम अपने किसी भी किरदार और अमल से ये नहीं चाहते हैं कि शांति भंग हो, और आज जुमा की नमाज में हमने इसी चीज़ का खिताब किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाने कायनात हैं, रूहे कायनात हैं, नबी की इज्जत बाकी रहेगी तो कायनात में अमन रहेगा, शांति रहेगी, और अगर नबी की शान में तौहीन की जाएगी तो बहरहाल उसका असर सब पर पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, अजमत, आपका एहतराम हर एक पर वाजिब और ज़रूरी है। गुज़िश्ता दिनों में जो भी हुजूर की शान में अशब भाषाओं का इस्तेमाल किया गया और गलत सलत जुमले किए गए, नबी की शान में बेहरमती तौहीन की गई, इससे मुसलमानों में गम व गुस्सा है और इस पर हमने अपने लोगों से कहा है कि कानून के दायरे में रह करके जो भी हमें करना है करना चाहिए, कानून से बाहर नहीं आना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने कल भी ये बयान दिया है, आज भी बयान दिया है, तकरीर में, खिताब में भी ये बात कही है कि कानून से बाहर नहीं, हम बिला वजह गुस्से में आकर के आउट ऑफ स्टेट नहीं होंगे, आउट ऑफ होम नहीं होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। हमारा मिजाज ये है कि तहजीब हमारी शराफत और हमारी आबरू का हिस्सा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि नूपुर शर्मा ने जो भी गुस्ताखी की है उस पर कानून के दायरे में उस पर सख्त सख्त कानून कार्रवाई की जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है हम लोगों में बेचैनी रहेगी, लेकिन कानून से बाहर भी नहीं आना चाहते हम, तो इसलिए आज भी हमारा मतालबा है उसके बयान की हम मजम्मत करते हैं और उसको गिरफ्तार करने का हम मतालबा करते हैं, और अपने लोगों से हम ये कहते हैं कानून के दायरे में रहें, किसी तरह का तशद्दुद बर्पा ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, सड़कों पर ना कहीं ना आए, हम अमन शांति और सलामती वाले हैं, ये दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमारे वतन में आलम इस्लाम में चैन सुकून पैदा।